हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सृष्टि द फ्यूचर में। दोस्तों आज हम 4 अगस्त करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? आंसर होगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती किस दिन मनाई गई? आंसर होगा 2 अगस्त। दोस्तों पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में वीमेन फोर्स के फाइनल में लॉन बाउल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की टेबल टेनिस स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अगस्त तानो कुआमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया? आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में युवा विमानन इंजीनियरों को विमान रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस एरो स्पेस कंपनी ने GMR समूह के साथ भागीदारी की है? आंसर होगा एयरबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुरेश एन पटेल।